नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन पाल, मेरे साथ कैमरामैन अल्लू पाल और सपोर्टर कृष्णा सिंह। तो आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना के बारे में कि जैसे कोरोना के बचाव के उपाय तो बहुत हैं, पर क्या होता है, गरीब लोग जो रहते हैं वो कोरोना से प्रॉपर उपाय नहीं कर पाते, क्योंकि जो सैनिटाइज़र हम लेते हैं, इस सैनिटाइज़र पेट्रोल सैनिटाइज़र, इसकी रेट 82 रुपये है। मास्क आता है 40-50 रुपये का। तो जो व्यक्ति 100 रुपये दिन के कमा रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि सैनिटाइज़र या मास्क में अपना पैसा फंसा पाएगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा संभव नहीं है। तो मैं आपको जो देसी उपाय रहते हैं कोरोना के बचाव के, उसके बाद से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले तो रहते हैं एंटीबायोटिक्स, जो अपने घर में घरेलू उपयोग में आते हैं, जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, तुलसी हुआ। सबसे पहले हल्दी का उपयोग, कि जैसे सुबह मुँह धोते टाइम थोड़ी सी हल्दी लेके और बेसन लेके उससे थोड़ा मुँह धोए तो चेहरा भी साफ रहेगा और कोरोना से बचाव भी रहेगा। दूसरा, अदरक, अगर आप चाय पीते हैं तो ज़्यादा अदरक इस्तेमाल करें उसमें, जिससे वो एंटीबायोटिक का काम करती है। तीसरी चीज़, तुलसी, तुलसी के पत्ते चाय में डालें, इससे ये भी आपको कहीं ना कहीं कोरोना के वायरस से बचाएगा। नीम का उपयोग, नीम, जैसे कि पतझड़ का मौसम निकल चुका है तो नीम के पत्ते सभी जगह आपको मिल जाएंगे, सूखे पत्ते। शाम के टाइम नीम के सूखे पत्तों को घर में जलाइए, उसके धुएं से आपका घर बीमारियों से बचा रहेगा। डेटॉल की 4 बूंद से अगर आप बाल्टी में डाल के नहाओगे तो वो आपके पूरे शरीर को कहीं ना कहीं वायरस से बचाएगी। समय समय पर हाथ धोना, जैसे खाना खाने जाते हैं उससे पहले हाथ धो लो, खाना खाने के बाद हाथ धो लो, किसी से मिल रहे हैं तो हाथ धो लो। बीमार व्यक्तियों से थोड़ा दूरी बनाए रखें, ना मिलने का बहाना मास्क लगा लें, मास्क नहीं लगा पा रहे थोड़ी दूरी बनाए, हाथ ना मिलाएं उनसे। नमस्कार, भारत का तो ट्रेंड है नमस्कार का, नमस्कार करो, हाथ मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, इससे आप कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर को मच्छरों से बचाव करें, गंदा पानी ये सारी चीज़ें निकाल दें वहाँ से, किसी मतलब स्टोरेज ना रखें जिससे मच्छर ना पनपे, मच्छरदानी लगा कर सोएं, कि छोटी छोटी बीमारियों से भी बीमारियाँ बड़ी हो जाती हैं। धन्यवाद।